how to open an Akashic record. ये है prayer. इस prayer को हम तीन बार बोलेंगे. We do acknowledge the forces of light, क्योंकि वहां पे सारे light forces ही होते हैं. Asking for guidance, direction and courage to know the truth. हमें क्या जानना है? Truth. जो भी truth है, चाहे वो गंदा हो या बुरा हो, हमें फर्क, अच्छा हो या बुरा हो हमें नहीं पता. जो भी truth है वो reveal हो हमें और हमें courage मिले उसको face करने के लिए. As it is revealed for our highest good and the highest good of everyone connected to us. Because जब एक सोल पैदा होता है तो सिर्फ हमारा अकेले का कर्म नहीं होता है वो. जब हम बोलते हैं कि हम ट्रांसक्रिप्ट जो है हम चेंज कर सकते हैं उसको, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सपोजिंग मेरा अगर कर्म है मेरे सास ससुर के साथ इस जन्म में रहने का, तो मैं उसको क्या कर रही हूँ? उसको नेगेट कर रही हूँ, उसको बिटा रही हूँ, जो मेरे लिए वो सही नहीं होगा शायद. तो जो भी हमारे हाईएस्ट गुड के लिए इंडिविजुअली भी है और फैमिली के लिए भी है और जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड है उन सब के लिए. होली स्पिरिट ऑफ गॉड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस एंड डायरेक्ट माय इंटेंशन टुवर्ड्स द वर्क एट हैंड. क्योंकि हम तो सेल्फिश मोटिव लेके चलते हैं, है ना, वी आर ह्यूमंस. तो उसको छोड़ के हमें ऊपर वाले ने हमारे बारे में क्या सोचा वहां तक तो हमारी ब्रेन जाएगा ही नहीं, हम समझ ही नहीं सकते उनका प्लान. तो इसीलिए सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं होना चाहिए. हेल्प मी टू नो एंड हील माई सेल्फ, या जिस भी आपने पर्सन का नाम लेना उनका नाम, इन द लाइट ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड टू सी माई सेल्फ थ्रू द आईज ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स. क्योंकि हर रिकॉर्ड का अपना भगवान होता है, राइट? एंड एनेबल मी टू शेयर द विजडम एंड कंपैशन दैट द मास्टर्स टीचर्स एंड लव्ड वंस ऑफ मी हैव फॉर मी. क्योंकि हम अपने साथ इतने लोगों को लेके ऊपर जा रहे हैं, तो उन सबका प्यार और उन सबका कंपैशन हमारे साथ चलता है. रीड दिस पार्ट साइलेंटली. ऊपर आपने बोल दिया, उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है इसको साइलेंटली बोलोगे. Help me to know and heal. Help me, मेरे को अपने आप को जानना है और healing के लिए, in the light of Akashic record, to see मेरा नाम through the eyes of the lords of the records. Through the eyes means वो मेरे को guide करते रहे जब भी मैं ये book खोल रहा हूँ. And enable me to share the wisdom and compassion that the masters, teachers, and loved ones of me have for. The records are now open, open, open. ऐसे जब बोलेंगे इस prayer को, the record will open. किसी को हो सकता है ऐसे stairs दिखे, right? किसी को, it's up to you. आप लोगों को जैसे दिखता है वैसे ही यू कैन इमेजिन एंड यू विल एक्सपीरियंस इट. ओके, ये हमारे चित्रगुप्त है. हिज नेम इज मेटाट्रॉन. इनको हम इन्वोक करेंगे. ही, सॉरी, कैन यू रिपीट हिज नेम? मैं लिख के बताऊंगी. आई नो इट्स ठीक है. थैंक यू. मेटाट्रॉन, ठीक है. तो ये जब भी हम ऊपर जाएंगे, ये चित्रगुप्त है, मॉडर्न चित्रगुप्त, ठीक है. ये हमारे रिकॉर्ड्स को देखते हैं, इनके पहले नमस्कार करेंगे. देन वी विल आस्क हिम कि प्लीज हमें हमारा रिकॉर्ड्स दे दे, क्योंकि ही इज द लाइब्रेरियन देयर, आकाशिक रिकॉर्ड के लाइब्रेरियन. योर लाइब्रेरी कैन बी लाइक दिस. ये सब गूगल के पिक्चर्स हैं, तो प्लीज इग्नोर अगर इन जैसे सब कुछ ना दिखे ऊपर, क्योंकि गूगल में यही दिखाता, राइट? ऐसे कुछ दिख सकता है. इसमें देखिए एनिमल्स भी हैं, तो एनिमल स्पिरिट्स को
कोई भी स्पिरिट हो सकता है उधर, लाइक हैरी पॉटर जैसे है ना, कितने डंबलडोर ये वो, ऐसे कुछ भी वहां पे दिख सकता है. दिस इज अ वेरी सिंपल क्लोजिंग प्रेयर. आई वुड लाइक टू थैंक द मास्टर्स, टीचर्स एंड लव्ड वंस फॉर देयर लव एंड कंपैशन. आई वुड लाइक टू थैंक द लॉर्ड्स ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू. And I would like to thank the Holy Spirit of Light for all the knowledge and healing. क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं हमारी healing होती है automatically. So for the knowledge and healing, then the records are now closed. Amen. The records are now closed. Amen. The records are now closed. Amen. ऐसे बोल के उनको book दे के हम आएंगे. जिन्होंने बंद नहीं किया, कोई भूल गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होगा उनके साथ, वो आप कनेक्टेड रहोगे उस रिकॉर्ड के साथ, तो आपको जो है अजीब अजीब चीजें दिख सकती है, या एक्सपीरियंस विल बी वेरी डिफरेंट है, या ड्रीम्स आ सकता है. सो इट्स बेटर याद से जिसका भी बुक खोलते हो उसका नाम लेके बंद करके मेटाट्रॉन को दे के आना वो बुक, कि भाई मैं दे रहा हूं, क्योंकि वो लाइब्रेरियन जो है आपको सोने नहीं देगा. तो दीस थिंग्स कैन हैपन. सो क्लोज इट एंड देन गिव द बुक बैक एंड देन से थैंक यू एंड देन कम बैक. राइट, एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड्स, मैं उन लोगों को अनम्यूट कर दूंगी. मैम व्हाट इज अमीन? हाँ जी सुनीता जी, पूछिए. अच्छा, ये जो बार बार आप कह रही है ना, जैसे कि आपको कुछ क्लाउड दिखा रिगार्डिंग योर बॉस एंड देन आपने हीलिंग की, या इसमें भी लिखा है टू थैंक फॉर ऑल द नॉलेज एंड हीलिंग, ये हीलिंग किस प्रकार से होती है? ये हीलिंग किस प्रकार से होती है, जैसे How will we feel the healing type thing? Okay. देखिए, when Sunita Singhal goes there, na, it will not be Sunita Singhal's body. No, it will be. ठीक है, it will be my mind. Soul will be going there. Right. So the healing जो है, आपकी soul को जैसा चाहिए. आपके गुरु आके हीलिंग करे, मेट भी कोई कलर थेरेपी का हीलिंग, मेट भी बाथ थेरेपी का हीलिंग, एनी काइंड ऑफ. सब लोग मैम म्यूट कर ले, बाकी सब लोग म्यूट कर ले, मैम बोल रहे. अच्छा, ओके, प्लीज म्यूट एवरीवन. राइट राइट, ठीक है, थैंक्स. ठीक है, अब जाएंगे तो पता लगेगा ना. हाँ, हम जाएंगे अपनी क्लास में. हाँ, राइट, थैंक यू, थैंक्स. राइट, लेकिन जूही जी पूछिए. नमस्कार मैम. हाँ जी नमस्ते मैम. मेरे को ये जैसे आर्कएंजल आपने बोला ना, माइकल, हाँ, तो उससे थोड़ा रेजोनेट. अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं हूँ, तो जैसे हम किसी अभी तो मैंने किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया उनसे. मैंने सुना है टैरो में या बाकी सब जगह में. हाँ, वो मैं कराऊंगी. तो जरूरी है हम इन्हीं को करेंगे या हम अपने हिंदू गॉड गॉडेस को भी एड्रेस कर सकते हैं? नहीं, मैंने तो तभी बोला आपको कि आप चाहिए तो आप हनुमान जी को भी प्रे कर लीजिए. ओके, आपकी मर्जी है, आपका जर्नी है, आपका सोल है, आपकी जर्नी है. आपको जिस भगवान को बोलना है उस भगवान को आप इन्वोक कर सकते हो, आप उनसे मदद मांग सकते हो. लॉर्ड शिवा बोल दो. गॉट इट, थैंक यू मैम. फाइन, हां जी सुषमा जी बताइए. गुड इवनिंग सर. यस, गुड इवनिंग मैडम, वेरी मच. आप क्लास तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन टू क्वेश्चंस आई हैव. या एक तो पास्ट जो रिकॉर्ड्स है, मान लीजिए, कैन आई नो व्हाट इविल्स आई कमिटेड और व्हाट गुड थिंग्स आई कमिटेड इन द पास्ट? यस, यू नो दिस. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, फ्यूचर में जैसे आपने बोला फ्यूचर कुछ बताएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स अंडरटेक करने होंगे. यस, खुद बे खुद नहीं हो जाएगा.
खुद ब खुद होगा इफ योर सोल इज रेडी टू अब्सॉर्ब द इंफॉर्मेशन. ओके ओके. एंड पास्ट, पास्ट के लिए पास्ट भी सेम है. हम जाएंगे, हम करेंगे, हम पास्ट लाइफ रिकॉर्ड भी करेंगे. व्हाट इविल्स आई कमिटेड दैट आई वुड कम टू नो. Why you are concentrating on only evils that you committed? No, evils, what good, what actions I took. Yeah. Either good or bad. Yeah. 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 पूछना है, मैं questions कैसे पूछना है ताकि आपको answer मिले वो भी मैं phrase करना बताऊंगी. मेरे को अगले class में point out कर देना सुषम मोहित जी. Okay, तो past जो past actions जो मैंने लिए हैं उसका यदि कोई मैं कुछ करेक्टिव मेजर्स ले सकता हूँ क्या? यही तो है आकाशिक रिकॉर्ड का, नहीं तो हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? हमें आंसर ही तो चाहिए. ओके यस यस. ओके आई वांटेड टू एश्योर. ओके मैडम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. वेलकम. हाँ जी राखी जी, राखी जैन. हाँ जी मैम, ये पूछना था कि जैसे हम जाते हैं तो हम अपने दिमाग में वन क्वेश्चन एट अ टाइम लेके जाते हैं, या जैसे हम अगर उसका आंसर नहीं मिलता तो चेंज कर लेते हैं, या उस टाइम हम उस बुक को क्लोज करके आ सकते हैं? यू कैन चेंज इट, नॉट अ प्रॉब्लम. और क्वेश्चन हम चेंज कर सकते हैं? हाँ यू कैन चेंज इट, बट आई वुड रिकमेंड अभी एक दो, मतलब क्लास जो अभी एक दो तीन, थोड़ा क्लास जो है थोड़ा नॉर्मल लेके चलेंगे जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए. ठीक है, उसके बाद आप लोग जब मास्टरी बन जाओगे तो आप पांच भी पूछिए, क्या प्रॉब्लम है? मैम जैसे आपने कहा था किसी चीज की नो आती है, या जैसे आपने वो 25 इयर्स का बताया था कि जमीन का केस था, तो मैम उस केस में अगर आपको आंसर आ जाता या हम, तो उस केस में आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं? मतलब नहीं हो सकता ना, जब मेरे को आंसर नो आया, मैंने पूछा क्या ये स्क्रिप्ट चेंज कर सकती हूँ, मेरे को तब भी नो आया, फिर हम नहीं छेड़ेंगे ना उसको. अगर स्क्रिप्ट का है कि हाँ यस कर सकते हैं तो हाँ, तो यस कर सकते हैं, तो स्क्रिप्ट कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी बताऊंगी मैं. अच्छा वो आप पर ध्यान बन गए. हाँ जी ठीक ठीक ओके. हाँ जी रीमा जी. हेलो मैम, वेरी नाइस मैम. आई वांटेड टू नो या व्हाट डू यू वांट टू नो. आप म्यूट म्यूट, यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ. ओ सॉरी. The name of the movie that you just told, Astral City. City. Okay. And do we need to remember these prayers by heart, or it is gradually that we? It's better if you remember it. Can we see it? क्योंकि ये ही बोलना पड़ेगा आपको. So can we see it, read it, and speak, or we have to memorize it? No, you have to see and then read. ऑब्वियसली ना अभी याद ही नहीं है, तो मैं बोलूंगी बट देन ग्रेजुअली आप मेमोराइज कर लेना. ओके थैंक यू. वेलकम नलिनी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. माय क्वेश्चन वाज लास्ट यू लास्ट में लिखा था अमीन अमीन अमीन, व्हाट इज दैट? And why we want to say so that? Be it. हिंदी में क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं? तथास्तु. तथास्तु. या तथास्तु. मतलब एक क्वेश्चन था. एक मिनट चारू गोयल जी, आई थिंक नलिनी जी आपका आंसर, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. यस मैम. ओके म्यूट योरसेल्फ प्लीज. चारू गोयल जी. गुड इवनिंग मैम. मेरा क्वेश्चन है, आपने स्टार्टिंग में कुछ कहा था कि मतलब आपको कोई भी रिकॉर्ड दिख सकता है, किसी एनिमल का या किसी का भी हो सकता है वो. तो मैम वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि व्हाट वी आर सीइंग, लाइक यू नो? वो डिफरेंशिएट ऐसे करेंगे कि आपने जिनका नाम लिया है चित्रगुप्त वही देगा आपको. सपोजिंग मैं एक कैट पाल रही हूँ, तो अगर उसके लिए मेरे को उसका रिकॉर्ड खोलना है तो मैं तो उसका नाम लूंगी ना, मैंने उसका नाम माइलो रखा है, तो मैं जाके पूछूंगी माइलो का रिकॉर्ड दो, तभी वो देंगे ना. ओके तो दैट मींस जब हम जो जिसका भी नाम से मांगेंगे तो वही मिलेगा, वही दिखेगा. करेक्ट. ओके थैंक यू. वेलकम. या पारुल बोरा जी. आत्मा नमस्ते मैडम. आत्मा नमस्ते.
मैडम मुझे पूछना था, किसी का प्रॉब्लम कोई मनी वाइज रहेगा या रिलेशनशिप में रहेगा तो वो हिसाब से हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो मनी ब्लॉकेजेस का जो भी सॉल्यूशन है वो हम वहां पे देख सकते हैं कि उसको कैसे हम हील कर सकते हैं या उसको क्या करना है आगे जाके तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसका। यस यस, यही करेंगे हम, और हीलिंग कैसे ऊपर जाके, यही है पूरा क्लास। ओके मैडम, ओके। और किसी को स्टूडेंट है, आपने जैसे बोला कि कौन सी लाइन लेनी है या क्या करना है, तो अभी जो भी पढ़ लिखे हैं, जो भी इंजीनियर भी हो गए हैं, कई लोग उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसका भी हम देख सकते हैं कि आगे जाके उसको कुछ क्या भी करना है? कुछ भी देख सकते हो, कल का मौसम कैसा होगा वो भी देख लो। ओके 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 मैडम, थैंक यू सो मच। वेलकम। कल्पना पाठे। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जस्ट मुझे ये पूछना है मैम, अभी आपने फ्लैट के बारे में बताया था, माइक्रो फ्लैट है, तो अपने प्रीवियस वेबिनार में हमें बताया था कि हम लोगों को जिसका अपने को आकर्षित रिकॉर्ड करना है अपने को परमिशन चाहिए। हाँ जी, तो हम लोग कैट की परमिशन कैसे लेंगे? एक सेकेंड होल्ड कीजिए, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ मैम, तो हम लोग कैट के कैसे परमिशन लेंगे आकाशिक रिकॉर्ड करने के लिए? हाँ जी, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, सॉरी मेरे को सुनाई नहीं दिया। जस्ट नाउ यू गिव आंसर टू समबडी एल्स दैट इफ यू वांट टू सी योर कैट का फ्यूचर कैसे रहेगा या माइलो कैट के बारे में आपको पूछना है। हाँ जी, तो हाउ कैन यू गेट दैट परमिशन फ्रॉम कैट कि उसका रिकॉर्ड देखना है? हायर सोल, विद कैट हायर सोल या आवर हायर सोल? सबका हायर सोल होता है, चींटी का भी हायर सोल, मतलब आप गए और आप इंसान हो तो आप बड़े महान हो गए, बाकी वो तो जीव जंतु हो सब ऐसे ही है, है? ऐसा नहीं है, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ओके, सबका हायर सोल है। और अभी ये जो करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड, जैसे कि पीएलआर में हम लोगों को बताया कि डीपर स्लीप में जाएंगे, हिप्नोटाइज होते हैं, फिर बाद में हम लोग पास्ट लाइफ में जाते हैं, वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड में हम लोग डीप स्लीप में जाएंगे और फिर बाद में एस्ट्रल्स पे। हाँ, करेक्ट, यू आर राइट, ट्रैवल करेंगे हम लोग। हाँ, बराबर ना। इसके लिए जो ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग पे चाहिए क्या अपने को ऐसे? वो सारा प्रोसेस मैं कराऊंगी, टेंशन मत लो। जस्ट होल प्रोसेस विच आई विल बी कवरिंग, बिकॉज जाने से पहले भी चार पांच चीजें हैं जो करके जाना है हमें, जैसे मैंने शील्डिंग तो ऐसे ही आपको बोल दिया, बट हम सारा प्रोसेस करेंगे, ग्राउंडिंग से लेके सब करेंगे। और ये सारी चीजें होने के बाद कभी कभार कोई बंदा या कोई हम लोग ऐसे किसी क्लाइंट का क्लोजिंग प्रेयर करना भूल गए में, तो वो चीजें क्या हो सकती है? वो वैसे कंटिन्यू हो जाएगी क्या, कैसे क्या? वही तो मैंने बोला ना, रिपरकशन ऐसा आएगा कि वो जो रिकॉर्ड खुला है वो आखिर आपको बोलता रहेगा कि भाई इसको बंद करो, या कुछ ऐसा ड्रीम्स आएगा उसके थ्रू, जिसका भी आपने रिकॉर्ड खोला है वो ड्रीम में आता रहेगा, मतलब इसका जो एक्सपीरियंस है इट विल बी इन अ वेरी डिफरेंट थिंग। आपको वो महसूस, आपको इंट्यूशन इतना हाई डेवलप हो जाएगा कि आपको फटाफट रियलाइज हो जाएगा, ओ मैंने रिकॉर्ड बंद नहीं किया उसको। ओके क्योंकि ये जो प्रोसेस करते हैं तो इंट्यूशन बहुत हाई लेवल का डेवलप होता है, तो ऑल बी रेडी फॉर दैट। हम लोग अभी वो स्काई डाइविंग करने जा रहे हैं, तो हम लोग इसमें अपने पिक्चर्स पे देखेंगे, लाइक बुक में क्या क्या लिखा है। देखिए आपकी क्षमता है, आपको पिक्चर देखना, देखिए आपको पूरी मूवी देखनी है, आप देखिए, आपको जो देखना आप देखिए। इट्स इंटरेस्टिंग मैम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड जस्ट एंजॉय इट। यस यस यस, थैंक यू मैम। वेलकम। यस तुषार जी। मैम, जो आपने चित्रगुप्त के बारे में बताया था, हाँ जी, तो जो हमारे मूवी में दिखाते हैं वो चित्रगुप्त और ये एक ही शख्सियत है उनका? हाँ, एक ही है, बस हमने आकाशिक रिकॉर्ड जो है थोड़ा वेस्टर्नाइज है, तो हमने चित्रगुप्त भी थोड़ी साइड लगा रखी है। जी मैम। और मैम वो हिंदी में ही होगा ना, वो मेडिटेशन करवाएंगे आप?
इट विल मिक्स होता है, मैं ज्यादा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके करती हूँ. आपको हिंदी भी चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पे किसी ने बोला था मुझे इंग्लिश में कराओ, तो मैं दोनों मिक्स करके कराऊंगी. हाँ मुझे इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का. अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना. मैडम मुझे भी हिंदी में चाहिए. मेडिटेशन ना. हाँ. हाँ, आज तो साउंड हीलिंग की थी, उसका तो कोई है नहीं, बट देन यस इन फ्यूचर मैं याद रखूंगी. कुसुम जी, कुसुम मित्तल प्लीज अनमोल. या हाँ जी, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. मैंने एक्चुअली मेरे दिमाग में था कि 7:30 शायद क्लास मैंने 7:30 लॉग इन किया. मुझे लगा कि जैसे PLR का टाइम हमारा. कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए. अच्छा, जो आपने वो साउंड हीलिंग अभी जैसे आपने बताया कि करवाई है, तो वो खुद से ऐसे कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हमारे इंस्टीट्यूट दे तो रहा, आपको जितनी बारी चलाइए, एंजॉय कीजिए उसको. ओके ठीक है. ओके थैंक यू. थैंक यू दीपिका जी, बताइए. अरे चेतन जी, कैसे हो आप? हाउ आर यू? या आस्क मी, आई एम रेडी. हेलो मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग. कम अप विद अ स्पेशल सब्जेक्ट. या या न्यू सब्जेक्ट. थैंक यू सो मच. वेलकम. Like what the journey is being more and more colorful and more bright. Yeah. Switchwords याद रखना, हो सकता ऊपर से कि switchword की healing करे. Ma'am, I actually discussed with Shilpi ma'am also. EFT tapping के वजह tapping के time switchwords use करके tap करते हैं ना, तो that I felt very perfect ma'am, very perfect. ओह ग्रेट ग्रेट. वैसे भी आपने तो मतलब यू आर प्रैक्टिसिंग इट ना, तो या आई नो दैट मैम. रियली दैट इट्स जस्ट लाइक वी आर वेरी नियर टू आवर हायर सेल्फ व्हेन वी जस्ट प्रैक्टिस दीस थिंग्स. यस प्रैक्टिस इज रियल मैम. आई एक्चुअली वांटेड टू नो दिस आकाशिक रिकॉर्ड, लाइक व्हेनेवर वी जस्ट गो विद द ना सारे पितृदोष निकाल देंगे, आप चिंता. हाँ वही पूछेंगे. This is one of the healing modality for that main idea. Yes. So because there are many problems which are compared to that word, like पितृ दोष के साथ में सारे ये करते ना, तो इसीलिए पूछ रही. इतना गले मत लगाइए पितृ दोष को. नीलिमा जी बताइए. मैम नमस्कार. नमस्कार, किसने ओपन किया? नीलिमा जी ने तो नहीं ओपन किया. हेलो. हाँ जी, कैन यू हियर मी? या I'm Nilima speaking, Dr. Nilima. Yeah. Good evening. मेरे दो questions थे actually. That question which somebody asked regarding permission लेना, किसी के दूसरे के अगर हम देख रहे हैं, तो if the person is not giving a physical permission, लेकिन अगर higher soul से permission मिलता है, so can we go ahead with that? Yes. ऐसे ही तो coma patient की healing करोगे, वो थोड़ी आपको permission देगा. Okay, and one more thing, ma'am. जब हम practice start करते हैं, तो is it compulsory that पहले अपना records देखो, फिर किसी और का, या अपने पे पहले practice करो, फिर पहले का? It's always recommendable, क्योंकि आप जितना अपने आप को जानोगे, तभी तो आप दूसरों को जानोगे, और आप अपने ही करेंगे. मैं किसी का allow नहीं करूंगी अभी करने का, अभी तो नहीं करेंगे, पहले तो अपने आप को. नहीं कोर्स नहीं, बाद में जब जैसे प्रैक्टिस करेंगे हम. बिल्कुल, तब तो आप तो प्रोफेशनली करो इसको, नॉट अ प्रॉब्लम, किसी को भी करो. ओके, ऐसे नहीं. हाँ ऐसे नहीं कि कुछ मेहनत खुद पे करो फिर किसी और पे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप किसी के लिए भी करो. ओके थैंक यू. वेलकम.
विनेश कुमार जी आपका अनम्यूट है, कुछ पूछना आपको? हाँ मैडम, मेरे को पूछना था ये जो एक आपने एग्जांपल दिया था जिसमें लैंड वाला वो आपके आपके थ्रू उसने कराया, यदि वो अपने जो पास्ट कर्मा में जाकर के इनके थ्रू यदि उनको कर्मा को वो हटा सकता था या उनको खत्म कर सकता था तो उसके बाद चीजें ठीक होने की संभावना थी? हाँ जी, पर मेरे को तो परमिशन ही नहीं मिली ना, तो वो तो बात मैं आपकी मैं मैम आपकी बात नहीं कह रहा। यदि कोई आदमी ने कोई बैड कर्म किए हैं, अगर उसने मतलब अगर उसने कार्मिकली उसको सही कर दिया तो फिर तो उसको मिल ही जाएगा ना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। पर ठीक है, हम दूसरों का नहीं कर सकते क्योंकि दैट मे बी गॉड की तरफ से ऐसे तो सब लोग। विनेश जी, हम जब अभी अभी तो फर्स्ट क्लास है, थोड़े दिन हम अपने पे काम करेंगे, उसके बाद हम दूसरों का भी रिकॉर्ड खोलेंगे। मैम रिकॉर्ड खोलना अलग बात है, उनके कर्मा को ठीक करना अलग बात है। नहीं नहीं, ठीक करना ही तो सिखाना है मैंने। अच्छा ठीक है मैम, पूरा क्लास तो वही है, वरना सिर्फ अपना रिकॉर्ड फिल्म देख के थोड़ी आना हमने, जो प्रॉब्लम है उसको ही तो सोल्यूशन के लिए तो कर रहे हैं ये। ठीक है मैम, ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। आई थिंक वी आर डन मैम। मेरा क्वेश्चन कब का है? हाँ है, मेरे को हाथ नहीं दिखाई दे रहे। हाथ है रे, इसको किया हुआ। अच्छा बोलिए, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बट आप मेरे को बोलिए बोलिए, आप अपना नाम लेके बोलिए। मेरे को खाली ये है कि आज जो मेडिटेशन किया ना मैम, आज जो मेडिटेशन हमने किया ना, हाँ हेलो, हाँ जी, आज जो मेडिटेशन किया, हाँ मैम, उसमें कोई उसमें भी कलर्स दिखे, ब्लू ग्रे और हमारे जैन के मॉन्क्स दिखे, जैन के भगवान दिखे, आदिनाथ भगवान, तो वो क्या है मैम? वो क्या है, आप डिकोड करो, आपने देखा मूवी? सबसे मेरे को तो आज भी ऐसे लग रहा था जैसे मैं हाईएस्ट उसमें जा रही हूँ। हाँ तो बस आपने एस्ट्रल ट्रैवल आज ही कर ली। और मैंने अपने भगवान देखे, अपने जो जैन के साधु साध्वी जी है वो देखे, और ब्लू और ग्रे कलर देखा मैंने। वेरी नाइस, तो वो अच्छी बात है ना मैम? अच्छी तो है ही। हाँ मैम, बस यही कहना था। ओके जो है हम लोग अगर चेंज करते हैं तो वी हैव टू गो थ्रू अ फ्यू थिंग्स राइट, बट इफ यू चेंज दैट डू वी हैव टू डू इट अगेन देन नेक्स्ट लाइफ आल्सो गो थ्रू इट? सो ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू ऑल आर आस्किंग मी, हम आकाशिक फील्ड में जाके वी ऑल विल पुट दीस क्वेश्चंस, आपके सोल पूछेगा। ओके, जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है मेरे से, हम आकाशिक फील्ड में जाएंगे और आप सब वहां क्वेश्चन पुटअप करना। ओके, यू विल गेट द आंसर। Okay, okay. And so somebody got that black magic on you and, you know, the blocked your things and all that. That's so okay. So that also could be released? Yeah, we will heal that also. Jahan white hai, wahan black tone is zaruri hai. Sometimes your white tone is bad to hoga. Okay, okay. Done. मैम इससे कल्पना ही है मैम, इसलिए हम लोग पितृदोष जो रहता है वो भी हील कर सकते हैं इसमें? सब हील कीजिए, सारे दोष, सर्प दोष, पितृदोष। आपने जब साउंड का किया था ना सर मैम, वाइब्रेशन, तो उस टाइम पे यहाँ पे थर्ड आई में इतना हेवीनेस होता है, बहुत हेवीनेस हो रहा था, तो वो क्यों, किस वजह से पूछिए? व्हाई माय चक्रा, द फोरहेड चक्रा इज हेवी, आस्क। बट ऐसा कल PLR भी किया था तो उस टाइम पे भी ऐसे एकदम हैवीनेस यहाँ पे हो रहा था। Yes, because you are opening that chakra and आपका intuitive chakra है, so that is getting magnified, that's why you are getting that vibration. Okay. Thank you. Okay. Excuse me, ma'am. You know, I feel sleepy. So sometimes my unconsciously, I don't know, but I go to sleep. So how does it matter? Will I come to know it's done or not? सोनिया जी, मैं आप सबको बता रही हूँ, वी ऑल विल गो थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, राइट? यू विल फील स्लीपी, आई विल फील डिजी, राखी विल
फील द लाइट एज इफ उसको बुलडोजर लग गया सर पे, या दीपिका विल फील समथिंग एल्स. वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स एज पर आवर कंडीशनिंग. And nothing is right, nothing is wrong. Don't judge everything. If you're feeling sleepy, sleep. Okay. 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 Okay, bye.